नवाज शरीफ साहब ने दोबारा बयानबाजी शुरू कर दी। उन्होंने बोला है कि राह चलते बंदे को बुला के बोला, आओ मैं आपको इंसाफ दूं। ये कह रहे हैं जो महसूस नशिस्तों का फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इनकलाबी बन गए हैं। ये वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हैं जो पाकिस्तान में आए लंदन से, तो इनको एयरपोर्ट के ऊपर इनसे फिंगरप्रिंट लिया गया। इनकी सब सजाएं माफ, सब कुछ माफ, लेकिन जब पहले वाले चीफ जस्टिस थे उन्होंने वापस आने की जुरत नहीं की। लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ एक बार फिर इनकलाबी बनने जा रहे हैं। और ये वो है मुझे क्यों निकाला पार्ट टू, क्योंकि उन्होंने पहले ही कह दी उसकी बेटी ने कि हमें 5 साल पूरे करने दिए जाए। जब जाली डिग्रियां होंगी, फॉर्म 47 पे आए हुए लोग होंगे, तो ट्रिब्यूनल के फैसले जब इनके खिलाफ आएंगे तो खुद बखुद इनकी हुकूमत खत्म होगी। फिर ये आपको और हमें कहते फिरेंगे मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, आपने मुल्क की मां बैन कर दी, आपने 150 वाला पेट्रोल 285 पे ले गए, डॉलर आप 170 से 300 तक ले गए, कोई ऐसी चीज नहीं है जो सस्ती आपने छोड़ी हो। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, आपने मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया। खुदा का वास्ता है अगर आप इस मुल्क की जान छोड़ दें तो ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन अब अगर दोबारा इनकलाबी बन के आए तो लोग आपको जूतों से मारेंगे, ये मेरा वादा है आपसे।